हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। और फिर से हो चली है एक और नई सुबह। लेकिन दोस्तों, आज सुबह नहीं, शाम से ब्लॉग शुरू हो रहा है, क्योंकि कल शाम से काफ़ी तेज का फीवर आ गया एंड उसके साथ सर में पेन भी हो रहा है और भी बहुत कुछ। अभी तक बिस्तर में लेटा ही था, अभी जस्ट थोड़ी देर पहले उठा एंड लंच किया, तो उसके बाद देखा बाहर कुछ इस तरह से मौसम आज बना हुआ है। आसमान में पूरी तरह से बादल लगे हुए हैं एंड आप मेरे जो पीछे देख रहे हैं, ये हरियाली, इसी हरियाली के बीच में आजकल बहुत ही ज़्यादा खीरे ककड़ियाँ लगी हैं, तो वही मैंने ज़्यादा खा दी थी, तो उससे भी थोड़ा बहुत ज़्यादा हो गया था। एंड जो रायता परसों बनाया था तो उससे भी हो गया था। एंड यहाँ पर भी आप ककड़ी देख रहे हैं, कुछ इस तरह से आजकल जगह जगह, हर जगह, हर खेत में आपको ककड़ी देखने को मिल जाएगी। तो गाइज, एक दो दिन की छूट है, यदि आप चोरी करना चाहते हैं तो चोरी कर सकते हैं, आ सकते हैं, उठा करके ले जा सकते हैं। बहुत सारी ककड़ियाँ लगी हैं, लेकिन भाई एक दो दिन जब तक मैं ठीक ना हो, तो जिसको भी खानी होंगी ककड़ी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। एंड उसके साथ ही गाइज, आज है भरत का बर्थडे, आज है उसका जन्मदिन, तो देखते हैं शाम को सेलिब्रेट करेंगे और उसके लिए क्या क्या तैयारियाँ अभी हो रही हैं। भरत तो अभी यहाँ झूले पर खेलें, क्योंकि भरत को आज के दिन एक साल कम्प्लीट होने को जा रहा है। हेलो भरत, हाय कर दो। हाँ, इधर देखो ना, इधर देखो। अभी ये कुछ नहीं बोलेंगे, हाय नहीं, बाय नहीं, कुछ नहीं बोलेंगे, क्योंकि अभी ये उतना बोलते नहीं। कब्बू तो हेलो हाय कर ही देती है। आज पूरे दिन का ब्लॉग इधर उधर का नहीं हो पाएगा, क्योंकि तबीयत बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। अभी जस्ट ही उठ करके आया हूँ, आप मेरी आवाज़ से अनुमान लगा ही सकते हैं। यह अभी तक ये रो रहे थे बहुत ज़ोर ज़ोर से, लेकिन अभी शाम हो चली है और अब तैयारियां शुरू कर देते हैं। ठीक है, आपके बर्थडे की तैयारियां करें बेटा। अभी कब्बू जो है मम्मी के गोद में है और भरत बिल्कुल देखे हैं कैमरे में। चलो करते हैं तैयारी। बेड पर सो, कभी ऊपर सो, आराम, पूरे दिन भर रेस्ट चल रहा है। अभी पूरी तरह से शाम हो चली है और यहाँ पे काम भी शुरू हो गया है, मतलब कि बर्थडे की जो सामग्री, बैलून फुलाने का काम अभी भाभी और मैं दोनों कर रहे हैं। अभी हेल्प के लिए पड़ोस वाले भी कोई नहीं आए, तो खैर छोड़िए, अभी थोड़ी देर में पीहू आ ही जाएगी। एंड सो गाइस, आज मैं सेकेंड टाइम बर्थडे अटेंड कर रहा हूँ भतीजे का, और फर्स्ट टाइम मैंने अटेंड किया था फ्रेंड के बच्चे के बर्थडे को, एंड आज सेकेंड टाइम है। एंड सो कैसे होता है, चलो देख। एक बैलून इन्होंने फोड़ भी दिया, अभी तक मैंने बड़ी मुश्किल से फुलाया था उसको। तो गाइस, इनके बच्चे का आज है बर्थडे। हाय भाभी, हेलो, हाय तो कर दो। और कैसा लग रहा है फिर, आज आपको पहला बर्थडे है? बढ़िया लग रहा है भरत का, बढ़िया लग रहा है। और क्या ब्लेसिंग देना चाहोगे भरत को? दूंगी। क्या दोगे? चुपचाप से दोगे? हाँ। कमरे में? हाँ। अच्छा, क्यों सबके सामने नहीं दे? सबके सामने देते हैं ब्लेसिंग तो। आशीर्वाद, क्या आशीर्वाद दोगे? दूंगी, जो भी दूंगी। बाद में दोगे, अभी नहीं दोगे? ना। अच्छा अच्छा, तो चलो देखते हैं फिर क्या देते हैं। एंड सो अभी तो बैलून फुलाने का काम है, जल्दी जल्दी फुलाओ फिर। और दो बैलून तो फोड़ ही दिए तुमने, जितने फुलाए नहीं उतने फोड़ दिए। नहीं फोड़े, नहीं फोड़े। तो फिर से कंटिन्यू। तो गैस, आपने अभी देखा मैं बैलून फुला रहा था, अभी जस्ट ही आप देख सकते हैं बिल्कुल अंधेरा होने को जा रहा है। पहाड़ों में हल्की हल्की धुंध के साथ अंधेरा हो ही चुका है, और उसके साथ ही कुछ ये है हैप्पी बर्थडे लिखा हुआ, इसको भी सेट कर रहा था। और पूरी तरह से यार तैयारियों में उतनी रौनक नहीं आ रही है, क्योंकि पापा भी घर पर नहीं है, एंड बोलूँ तो बड़े वाले भैया, बोले तो भरत के पापा भी घर पर नहीं है, और मम्मी अभी कुछ काम कर रही हैं अंदर, और उसके साथ ही पीहू भी आ चुकी है पड़ोस में, आपने देखा होगा मेरे पिछले वाले ब्लॉग में। कैसे हो पीहू? आप बताओ। बस सब बढ़िया। आज भाई का बर्थडे है, तो मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ, क्योंकि सॉरी भाई का फर्स्ट बर्थडे है। ये तो है, लेकिन लेट कर दी तुमने आने में। बताओ भैया की तुम्हें पता है ना तबीयत खराब है, तो तुमने जल्दी आ जाना था। हाँ, बट कोई नहीं, मैं आ गई, टाइम निकाल के आ गई है। चलो सही है, तो फिर करते हैं। आओ, मैं सबसे पहले आपको दिखाता हूँ, मैंने कुछ बैलून फुलाए थे और भाभी भी थी मेरे साथ, भाभी और मैंने कुछ बैलून फुलाए थे यहाँ पर, अभी बेड पर रखे हुए हैं। अभी रूम पूरा डेकोरेट नहीं किया है,
खाली बैलून ही फुला रखे हैं, और ज्यादा हेल्प करोगे अब आप, ठीक है? श्योर ना? ओके चलो ठीक है, फिर लग जाते हैं। ओके लोग यहाँ पे बैलून फुलाने में पूरी तरह से मदद कर रहे हैं। एंड सो गाइस, अभी केक आया नहीं है, एंड केक की जगह रखी हमने भावेश यानी भरत की टोपी। एंड और ये इतना बड़ा बैलून क्या फुला, मैंने इतना बड़ा बना दिया, देखिए बना दिया, लेकिन ज्यादा मत फुलाओ, फूट भी सकता है। फूट गया तो फिर। और अनु क्या हाल हो रहे हैं तुम्हारे? कुछ तो नहीं, ठीक ही हो रहे हैं। ठीक ही हो रहे हैं। बैलून भुलाओ यार, तुम देखो दादी की तबीयत खराब हो रही है, तुम लोग चेयर पर बैठे हो, बताओ। आओ बैठो भैया, अभी बैठो, इधर आओ ना, ये देखो सारा सामान बिखरा पड़ा है। और अब हमें ही करना पड़ेगा, आपकी तो तबीयत खराब है ना, करो फिर ना। बस मैं तो बैठा ही हूँ, वैसे भी हालत खराब हो ही रही है। चलो पहले पूरा जल्दी से जल्दी डेकोरेट कर लेते हैं, और उसके बाद फिर केक काटेंगे ना, ऐसा ही होगा ना कुछ? ऐसा ही होता है। तो तुम मनाते हो अपना बर्थडे? हाँ, मैं वैसे यहाँ नहीं मनाती। मैं वैसे कहाँ मनाते हो? इंग्लैंड? मतलब मनाती नहीं है ऐसे। इंग्लैंड जाते हो या स्विट्जरलैंड जाते हो? मैं मनाती नहीं हूँ, मतलब ऐसे ही सब लोग विश कर देते हैं, कुछ ऐसे मनाते, केक नहीं कट करते। मतलब कि मन को तसल्ली के लिए खाली खुद को हैप्पी बर्थडे बोल देते हो? खुद का लोगों का बोला हुआ, फ्रेंड्स लोग बोलते हैं, ऐसे सब लोग बोलते हैं, बट हम लोग केक नहीं कट करते हैं। अच्छा चलो सही है, कोई नहीं, धीरे धीरे सब हो जाएगा, है ना? तो भाई कुछ इस तरह से बैलून लग चुके हैं, एंड अभी अनु इधर उधर ही घूम रही है, बैलून लगा ले बहनी थोड़ा बहुत। भी नहीं है, कहां से टेप है, तो सही पीछे रखा तो है, खाली बहाने बना रहे हैं, बस हो गया। इसको क्या करूं, बांधूं? हाँ तो बांधोगे, नहीं तो क्या करोगे? और बड़ा बना? नहीं यार, और बड़ा होता है, हो गया हो गया, फूट जाएगा ज्यादा में, मत तो मेरी हालत खराब हो गई इसे फुलाते फुलाते, और इनने भी मना कर दिया कि मैं नहीं बनाऊंगा। मैं बताया ना भैया की तबीयत खराब हो रही, नहीं तो कहने की जरूरत ही नहीं पड़ती, अभी तक सब कुछ हो गया होता। तो आप लोगों ने देखा कुछ इस तरह से तैयारियां थोड़ा बहुत कर ली है, एंड थोड़ा बहुत और जुटानी है, उसके लिए अभी भाभी तैयार हो रही हैं, तो उसके बाद और सामान यहां पर आ जाएगा। और यहां जो मेरे पास में बैठे हैं ना, पूरी लंगर, मतलब कि बोलो कि बजरंगबली वाली लंगर चल रही है, तो ये हैं गांधी जी के तीन मंदिर, बस इनकी मदद से ही अभी सारा काम यहाँ पर सही हो रखा है। गांधी जी, हाँ ऐसा ही मान लो, क्योंकि आज ना मेरी पूरी तरह से तबीयत खराब थी। और सबसे पहले इंट्रोडक्शन करें, ये है पुष्पा एंड अनु, एंड फिर से एक पुष्पा पीहू, आपने पिछले वाले ब्लॉग में भी देखा था। एंड सो फिर अभी केक काटने में थोड़ा बहुत देर है,
कुछ इस तरह से छोटी सी पार्टी लोग अटेंड करके जा चुके हैं एंड सब लोगों ने डिनर भी कर लिया और सोने की तैयारी कर ली है। तो आज घर पर पापा नहीं थे, भैया नहीं थे एंड छोटे वाले भैया और बड़े वाले भैया कोई नहीं थे, तो उतनी ज़्यादा रौनक नहीं आई। खैर छोड़िए, जो भी है तो भरत का बर्थडे तो सेलिब्रेट हो ही गया एंड सेकेंड टाइम आज मैंने बर्थडे सेलिब्रेट भी किया। और उसके साथ ही आपको यह छोटा सा बर्थडे पार्टी कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। यार पहाड़ों में कुछ इसी तरह से सारी व्यवस्थाएं तो भाई हो नहीं पाती है, थोड़ा बहुत फिर भी आज फर्स्ट टाइम हमने बर्थडे सेलिब्रेट किया है घर पर। फिलहाल आप अपना और अपने परिवार का ध्यान रखना एंड वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना एंड शेयर कर देना और चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। और फिलहाल टेक केयर एंड बाय बाय।